झारखंड के जमशेदपुर में धार्मिक झंडा विवाद को लेकर भड़की हिंसा के बाद अब शांति है। तनाव के बीच धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, जिसके बाद शहर में इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। वहीं पुलिस हिंसा प्रभावित इलाके में लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। दूसरी तरफ हिंसा में शामिल उपद्रवियों के खिलाफ भी पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने भाजपा नेता अभय सिंह सहित 63 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, बाकी लोगों की तलाश जारी है। बता दें कि जमशेदपुर के शास्त्री नगर में रविवार रात को हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लगानी पड़ी थी। साथ ही सोमवार को इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया था, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। हालांकि 18 घंटे के बाद इंटरनेट सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया है। वहीं SSP प्रभात कुमार ने सोमवार की सुबह जमशेदपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। SSP अपनी टीम के साथ पहुंचे और RAF के साथ संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि रविवार रात को शास्त्री नगर में भड़की हिंसा के बाद न केवल धारा 144 लगाई गई थी, बल्कि ड्रोन और CCTV कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही थी। शास्त्री नगर में हिंसा के बाद सोमवार की सुबह से ही पुलिस को तैनात कर दिया गया था। वहीं पथराव से इकट्ठा हुए मलबे को भी हटा दिया गया। शास्त्री नगर के 1, 2, 3 ब्लॉक सबसे अधिक संवेदनशील हैं। यहाँ ब्लॉक 2 के मुहाने पर RAF की तैनाती की गई है। वहीं फिलहाल धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा पुलिस हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है। जमशेदपुर हिंसा मामले में अभी तक 119 नामजद और 1200 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। नामजद लोगों में से अभी तक 63 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। बता दें कि कदमा क्षेत्र के शास्त्री नगर ब्लॉक संख्या 3 के पास धार्मिक झंडे के कथित अपमान के बाद रविवार की शाम को दो गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने तोड़फोड़, पथराव और आगजनी की थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उपद्रवियों को खदेड़ने का प्रयास किया, तो पुलिस पर भी इस दौरान पथराव किया गया। हालांकि पुलिस ने जल्द ही स्थिति को काबू में कर लिया। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है।